हेलो डियर स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को सारा चीज़ समझा दिया था प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस में कि क्या है, खासकर मेजर क्रॉप्स ग्रेन के वो समझा रहे थे हम आप लोगों को कि क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रो होने में और कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ग्रो हो जाता है, जिसमें हमने आप लोगों को राइस की बहुत सारे क्वालिटीज बताए हैं, आपको वीट की भी बताया दिया हमने कि राइस के लिए खरीफ सीजन है यानी जो क्रॉपिंग सीजन है, टेम्परेचर 25 डिग्री, रेनफॉल कम से कम 100 से 200 सेंटीमीटर में होना चाहिए, एरिया नॉर्दर्न प्लेन हो, खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट डेल्टिक रीजन, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स यहाँ पे ज़्यादा खासकर इसकी उत्पादन की जाती है। सेम चीज़ में अगर देखा जाए तो आप लोगों को वीट की अगर देखें तो हमने वीट भी बोला था आप लोगों को कि ये विंटर क्रॉप है और ख़ासकर कूल ग्रोइंग सीजन में भी इसकी उत्पादन हो जाती है और हार्वेस्टिंग के इस टाइम पे इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है। रिक्वायर्ड मैक्सिमम फैसिलिटी 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल भी चल जाता है और मोस्टली रीजन में इसको इरीगेशन कनाल्स के थ्रू भी उगाया जाता है। गंगा सतलुज प्लेन एरिया है, ब्लैक सॉइल रीजन जहाँ पे डेक्कन प्लेटिव की पूरे रीजन, उसमें भी इसकी उत्पादन की जाती है। पंजाब, हरियाणा जैसे, यूपी जैसे, मध्य प्रदेश जैसे जगहों पे इसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा की जाती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल्स क्रॉप में से भी इसे माना जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइस एंड वीट। नाउ वी हैव द अनदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ग्रीन क्रॉप इज मेज। मेज इज द मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप भी है, इसको खरीफ क्रॉप बोला जाता है यानी ये भी समर के सीजन में ही उगाया जाता है क्योंकि इसको टेम्परेचर जो चाहिए तो 21 से लेकर 21 के बीच में जो टेम्परेचर है यानी अच्छे खासे टेम्परेचर चाहिए होता है, जो हमारे लद्दाख में ऑलमोस्ट समर में ये वाला टेम्परेचर आ जाता है तो उसको विंटर में वहाँ पर वो वाला टेम्परेचर मिल जाता है। 60 से लेकर 110 सेंटीमीटर की, खासकर इंडिया में, दूसरे जगहों पे, इंडिया में भी कुछ कुछ जगहों पे 40 सेंटीग्रेड में इस की सेल्सियस में इसकी उत्पादन की जाती है। एरिया देखो जहाँ पे ओल्ड एलुवियम सॉइल मिलता है, बांगर, खादर जैसे जो आप लोगों को समझा दिया था हमने, उस ट्रैक पे इसकी बहुत ज़्यादा, खासकर न्यूअर जो था हमने बांगर, खादर जो न्यूअर है, बांगर जो ओल्डर एलुवियम सॉइल है, उन जगहों पे की इसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्टेट अगर देखा जाए तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इसकी उत्पादन की जाती है। और दूसरा की पॉइंट ये है कि इसको फूड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सेम चीज़ इसको फोडर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फोडर फॉर द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, इतने सारे हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं लाइक हार्डर्स एनिमल्स, शिप्स, गोट, उनकी फोडर के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अनदर मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूजेबल है पल्सेस, दाल, ठीक है, दालों के जितने सारे हमारे पास लाइक उड़द, मूंग, पी, ग्राम, दीज और ऑल द टाइप ऑफ पल्सेस, इनको जो क्रॉपिंग सीजन है ये डिपेंड करता है उस एरिया पे, उन सीजन पे डिपेंड करता है कि अगर सीजन सही रहा तो, अगर फॉर एग्जांपल उस सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया फॉर एग्जांपल, तो उस जगह पे भी इसकी उत्पादन की जाती है। लेकिन टेम्परेचर जो चाहिए होता है ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट थोड़ा कम है, वाटर रेजिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर की अगर रेनफॉल में भी और इरीगेशन फैसिलिटी में भी इसकी उत्पादन की जाती है। मोस्टली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री अगर देखा जाए तो एरिया मोस्टली हर भाग में इसकी उत्पादन की जाती है, जैसे कि मूंग देखो आप, चना देखो, राजमा देखो, बहुत ज़्यादा जगहों पे इसकी उत्पादन की जाती है। स्टेट्स देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, इन जगहों पे इनकी उत्पादन बहुत ज़्यादा की जाती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वेजिटेरियन, बहुत ज़्यादा, खासकर अगर की पॉइंट ये है कि मोस्टली वेजिटेरियन, ठीक है, नॉन वेज एंड वेजिटेरियन होता है, नॉन वेज जो ज़्यादा बीफ खाते हैं या सॉरी मीट खाते हैं, और जो वेजिटेरियन होते हैं मोस्टली जो खासकर हिंदुओं में, तो इसकी कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, लार्जेस्ट है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वेजिटेरियन का पल्सेस, तो पल्सेस की हर जगह बहुत ज़्यादा इसकी इस्तेमाल की जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर क्रॉप ऑफ ग्रेन्स। कल हम दूसरे मेजर क्रॉप्स को आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पूरा नोट्स बनाएं और सही से देख लें और पढ़ते रहें। थैंक यू।